हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग वाली क्लास में बैठे हुए हैं 5 बजे। आज मैं आपको एगो और बिफोर वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। बिफोर और एगो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, हम लोग समझ नहीं पाते कि बिफोर कब लगाना है और एगो कब लगाना है। आज हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि एगो कब आएगा, बिफोर कब आएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि एगो वर्ड जो है उसका मतलब होता है के पहले, जो हमें पास्ट टेंस में यूज़ करना है, केवल पास्ट टेंस में। और समय रहेगा उसका पीरियड ऑफ टाइम, मैं आपको भी पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है समझाऊंगा। और बिफोर जो है वो हर टेंस में यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम लोग केवल पॉइंट ऑफ टाइम ही यूज़ करेंगे। अब समस्या ये है कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जैसे समय का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो होता है सेकंड। आप इसे बड़ा करते जाइए, मिनट, आर, डे, वीक, मंथ, इनके लिए अगर आप लोग पहले बोलते हैं तो आपको एगो लगाना है। जैसे हमें कहना है 2 मिनट पहले तो आप कहेंगे 2 मिनट्स एगो, 1 मिनट पहले 1 मिनट एगो। और एगो वर्ड जो है वो एकवचन बहुवचन कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जो एक पॉइंट की तरफ संकेत करता है, जैसे संडे के पहले और अप्रैल के पहले, मंथ का नाम आता है, डे का नाम आता है, 2020 के पहले, 2010 के पहले, और हमें कहना 5 बजे के पहले, 10 बजे के पहले। ये सारे पॉइंट होते हैं और ये हमेशा एकवचन रहेगा। इसके लिए आपको बिफोर का यूज़ करना है। हमें कहना है संडे के पहले मैं नहीं आऊँगी, तो हम लोग कहेंगे आई विल नॉट कम बिफोर संडे। और ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग 2010s नहीं कहते हैं, अप्रैल्स नहीं कहते हैं। तो आई एम श्योर यू गॉट। एगो वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग किसके साथ, पास्ट टेंस में, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ। और बिफोर यूज होगा हर टेंस में, केवल किसके साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा, तो आप बना के बताएं, जो भी गलतियां होंगी मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं जाता हूं सबसे पहले या अनस। तो अनस, मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना? तो प्लीज स्टैंड अप। 3 दिन पहले मैं बीमार था, अगर हम ये कहना है तो कैसे बोलोगे? सर, 3 डेज एगो आई वॉज इल। ठीक है, तो मैंने पूछा 3 दिन पहले मैं बीमार था, तो मैंने इसको था बोला, पास्ट टेंस का यूज़ किया है। और हमने पहले किसको बोला, दिन, तो जो डे है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्होंने सही सेंटेंस बनाया है, 3 डेज को आई वाज इल। अब मैं एक सेंटेंस और पूछता हूँ, भूपिन प्लीज सिट डाउन। भूपिन बताइए, रविवार के पहले मैं बीमार था। अब यहाँ पर भी पास्ट टेंस आ रहा है, लेकिन मैंने टाइम चेंज कर दिया, रविवार के पहले मैं बीमार था, इसको कैसे बनाएंगे? आई वाज इल बिफोर संडे। तो यहाँ पर पास्ट टेंस तो था, लेकिन हमने के पहले किसको यूज किया, रविवार को बोला, यानी कि हमने यूज किया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो हम लोग बोलेंगे आई वाज इल बिफोर संडे, न कि संडे एगो। और संडे एगो हम बोल भी नहीं सकते, कितना ऑड लग रहा है बोलने में। तो यहाँ आएगा आई वाज इल बिफोर संडे। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, प्लीज कौन तैयार है? हाँ, सुधीर बनाएंगे क्या? कोशिश करें, मैं हेल्प करूंगा। या जसलीन प्लीज स्टैंड अप। जसिन बताइए, 3 महीने पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन की। करीब यहाँ आ जाइए थोड़ा सा, ये हम लोग का जो तार है छोटा पड़ रहा है कम। 3 महीने पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन की। 3 months ago I was joined coaching। वॉइस नहीं आएगा, ये पास सिंपल है, सेकंड फॉर्म लगाओ। I joined coaching। तो दोस्तों, मैंने पूछा था जसलीन से कि 3 महीने पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन की, तो ये कौन सा टेंस है पहले पता लगा, ये पास सिंपल है। तो हम लोग कहेंगे 3 months ago I joined कोचिंग क्लास, 3 months ago I joined कोचिंग क्लास। तो यहाँ पर एगो यूज होगा, ना कि बिफोर यूज होगा। प्लीज जसलीन, यू कैन गो। यस विशाल, यू कैन कम हियर, कम। अब मैं विशाल से मैं पूछता हूँ, मैं विशाल, हमें कहना है कि मई के पहले मैं नहीं आ सकता हूँ, मई के पहले मैं नहीं आ सकता हूँ, और मैं यहाँ पर सकता हूँ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये समझ जाइए एगो तो हो ही नहीं सकता है। आई कैन नॉट कम बिफोर मई। यस, तो अब ये सेंटेंस है मई के पहले मैं नहीं आ सकता हूँ, ये कैन का यूज़ करना है, जो कि पास्ट टेंस भी नहीं है, और हमको यूज़ करना आई कैन नॉट कम बिफोर मई, ऐसा यूज होगा। यस प्लीज गो। यस आप बताइए पूजा, 4 साल पहले मैंने 12th पास की, 4 साल पहले मैंने 12th पास की। आई वॉज पास 12th बिफोर 4 years। ठीक है, अब मैंने पूछा था कि 4 साल पहले मैंने 12th पास की, तो पूजा ने जो बनाया वो एक्चुअली टेंस की गलती होगी। ये अब टेंस कौन सा है, सबसे पहले आपको टेंस पता लगाना है, ये हमारा है पास्ट टेंस, तो हमें लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आई पास्ड 12th
फोर इयर्स एगो, यहाँ पर एगो आएगा बिफोर नहीं आएगा क्योंकि मैंने साल बोला है, जो साल वर्ड है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, वहां पर एगो आना चाहिए। ओके प्लीज सिट डाउन। उसके बाद में एनीवन सबद यू बना, यू ट्राई योर बेस्ट। दो घंटा पहले मैं सो रहा था, बिफोर टू आवर्स लेटर आई वॉज स्लीपिंग। अब मुझे बताओ दो घंटा पहले मैं सो रहा था, तो यहाँ पर जो आवर वर्ड है वो एगो में आना चाहिए या बिफोर में आना चाहिए? आवर, आप बोर्ड में देख सकते हो ऊपर आ रहा है ना, कहाँ, वो तो एगो में आना चाहिए। हाँ ये बनेगा टू आवर्स एगो, तो हाँ अब बोलो फिर से। टू आवर्स एगो आई वॉज स्लीपिंग, यस। तो यहाँ पर एगो आना चाहिए, टू आवर्स एगो आई वॉज स्लीपिंग, और ये पास्ट टेंस है, कंटिन्यूस है, तो हम लोग आएंगे भी लगाएंगे। टू आवर्स एगो आई वॉज स्लीपिंग, यस प्लीज सिट डाउन। सही है, यस अंशुल कोशिश करेंगे, ट्राई योर बेस्ट, प्लीज स्टैंड अप। हाँ तीन दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया, अच्छा मैं टेंस भी बता देता हूँ, तीन दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया, ये पास्ट टेंस है, और फ़ोन करने को कॉल कहते हैं। ही कॉल मी, थ्री डेज ago। ठीक है, तो तीन दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया, तो शी और ही आप कोई भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं लड़का है लड़की है, तो आप कहेंगे थ्री डेज एगो शी कॉल्ड मी, थ्री डेज एगो ही कॉल्ड मी, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यस अभिनव प्लीज कम, ट्राई योर बेस्ट, आई विल हेल्प यू। सेंटेंस रॉन्ग होगा और क्या होगा। ठीक है, तो आपको एगो और बिफोर समझ में आ गया है। ठीक है, शादी के पहले वह नौकरी करती थी, बिफोर मैरिज शी डिड अ जॉब, शी डिड अ जॉब। तो मैंने कहा कि शादी के पहले वो नौकरी करती थी, तो शादी के पहले, शादी जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो हम लोग कहेंगे बिफोर मैरिज शी डिड अ जॉब, यानी करना होता है। हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं शी डिड अ जॉब बिफोर मैरिज, आप इसको आगे पीछे लगा सकते हैं। ठीक है, यस हर्षित प्लीज कम। एक्चुअली ये जो हमारी डोरी है बहुत छोटी है, इसलिए मुझे हर्षित को बुलाना पड़ रहा है। हर्षित प्रसाद प्लीज। या कई साल पहले वह भोपाल शिफ्ट हुआ, कई साल पहले वह भोपाल शिफ्ट हुआ, मैनी ईयर्स अगो ही शिफ्टेड भोपाल। तो बिल्कुल ठीक है, मैनी ईयर्स अगो ही शिफ्टेड भोपाल, और जो ईयर वर्ड है वो आता है पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हम लोग यहाँ पर एगो लगाना होगा, और ये पास सिंपल भी है, मैनी सिगर एगो, मैनी ईयर्स अगो ही शिफ्टेड भोपाल, यस प्लीज गो। आयुषी प्लीज कम, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग बना पा रहे हैं, टॉपिक क्लियर है आपको, यस। आयुषा बताइएगा, एग्जाम के पहले तुम्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एग्जाम के पहले तुम्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बिफोर एग्जाम वी डोंट ईट, वी शुड नॉट ईट टू मच। अब मैंने कहा था बिफोर, मैंने कहा था परीक्षा के पहले तुम्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मैंने चाहिए का यूज किया था, तो आपको सूट लगाना होगा। हम लोग कहेंगे बिफोर एग्जाम यू शुड नॉट ईट टू मच, बिफोर एग्जाम यू शुड नॉट ईट टू मच, यस। और कोई बताना चाह रहा है तो प्लीज मैं उसके पास आ सकता हूँ, एनीवन, या रेज अ हैंड, अदरवाइज आई एंड माय वीडियो, नो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, एगो हम लोग यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के साथ, जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है, और हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जो कि केवल नहीं सारे टेंस में यूज किया जाएगा, विल कैन कुड सबके साथ यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और इसी प्रकार के टॉपिक मैं आपके सामने लाया करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बस सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और बहुत से लोगों को शेयर करें। थैंक यू, यू कैन क्लैप इफ यू वॉन्ट। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब प्लीज करेंगे।